आज हम बनाने वाले हैं रोटी से, आप इसे ताजी रोटी से या बासी रोटी से भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तो ताजी रोटी ली है, लेकिन आप बासी भी ले सकते हैं। सबसे पहले रोटी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे चारों तरफ से, और आप टूथ पिकर की मदद से, नहीं तो जो हम अगरबत्ती जलाते हैं ना, और उसका जो नीचे का रह जाता है डंडा, उसका मैंने यूज़ किया है स्टिक। ये हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और जिस तरीके से मैं इसे देखिए होल्ड कर रही हूँ, बढ़िया से रोटी को हम चौकोन शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है एक छोटा सा बाउल की तरह, ये रहा हमारा बाउल। और अब हम इसके अंदर सारी चीज़ों को डालेंगे। इसी तरीके से एक जो और रोटी था उसे भी मैंने बास्केट की तरह बना लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ सेजवान चटनी, आप टोमेटो केचप डाल सकते हैं। एक में मैंने सेजवान डाला, एक में टोमेटो केचप डाला है। मेयोनीज डाल देंगे थोड़ा सा। तो इस तरीके से मेयोनीज इस बॉक्स के अंदर चला गया है। अब इसको हम अच्छे से एक बार स्प्रेड कर देंगे। कटे हुए चॉप टोमेटोज डाल देंगे, कटे हुए ऑनियन के स्लाइस डाल देंगे, यानी कि प्याज के स्लाइस हम इसके अंदर डाल देंगे। आपको जो सब्जियां पसंद है आप डाल सकते हैं इसके अंदर, मतलब शिमला मिर्च या उबले हुए मटर भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज डाले हैं, थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ इसके ऊपर जो आएगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, कलरफुल सा, मतलब रोटी से भी इतना टेस्टी चटपटा और बच्चों का फेवरेट नाश्ता बनेगा ये ब्रेकफास्ट। और ऊपर से थोड़ा सा हम पिज्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे, या चिली फ्लेक्स हो तो वो आप डाल दीजिए। और अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं चीज़, जो कि बच्चों और बड़ों का बहुत ही फेवरेट होता है ना। इसका टेस्ट है ना बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह आता है, बहुत गजब का टेस्ट आता है, और बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने इसे रोटी से बनाकर रेडी किया है, और दिखने में भी बहुत ही क्यूट सा लगता है। तो ये हमने ग्रेटेड चीज़ डाल दिया है। कोई वाला कोई सा भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला या स्लाइस वाला या क्यूब वाला, उसे बस ग्रेट करके इसके ऊपर डाल दीजिए बढ़िया तरीके से। तो ये हमने ग्रेटेड चीज को इसके ऊपर डाल दिया है, अच्छे तरीके से सारे वेजेस को ढक लिया है, बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है दिखने में। फिर से इसके ऊपर हम थोड़े से वेजिटेबल्स डाल देंगे, प्याज शिमला मिर्च, ताकि ये दिखने में कलरफुल लगे, अच्छा लगे, बच्चों को अट्रैक्ट करता है, मतलब बच्चे जिस चीज को देख के अट्रैक्ट होते हैं ना, वो चीज वो बहुत ही पसंद से खा लेते हैं। थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डाल दिया, थोड़े से टोमेटोज डाल देंगे, और बस ये रेडी हो गया है खाने के लिए। नहीं, इसे हमें पकाना है थोड़े, बस कुछ सेकंड के लिए। तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तवा जैसे ही गर्म होगा वैसे ही हमें इसे डाल देना है, और अब इसको ढक देना है बढ़िया से लीड से, और इसे हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच रखना है, स्लो फ्लेम पे पकने देना है। पकाना नहीं मतलब कि चीज को मेल्ट होने देना है। तो ये देखिए चीज एकदम परफेक्टली मेल्ट हो गया है, हमारा जो क्यूट क्यूट सा आप बोल सकते हैं बास्केट पिज्जा बन करके रेडी हो गया है, बहुत सुंदर लगता है। और अब हम जो स्टिक लगाए थे ना उसे निकाल लेंगे, और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसे मतलब कि गर्मा गर्म या थोड़ा हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा ना तो भी खाएंगे तो बहुत मजे का लगता है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, और आपको एक बास्केट जो है मैं कट करके दिखाऊंगी कि जो सारी सब्जियां हैं परफेक्टली कुक हो चुकी हैं, चीज मेल्ट हो चुका है, और बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ना। तो आप इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा एक बारी अपने घर पे। रोटी तो हम सभी के घर पे बनता ही है, और जो चीजें मैंने डाला है ये सारी चीजें भी आसानी से हमारे घर में होती हैं। तो बस इसे ट्राई कीजिए, खाइए, और बच्चों का तो बिल्कुल फेवरेट बन जाएगा। जब भी रोटी बच जाएगा ना तो यही वाली रेसिपी आप ट्राई करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बनाइए, खाइए, और अपना फीडबैक कमेंट्स द्वारा जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।